हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास मॉडिफायर लिस्ट का। मॉडिफायर लिस्ट के जो क्लासेस मैं दे रहा हूँ, इसमें अभी तक मैं रिपल, लास्ट हमारा रिपल का था क्लास। यहाँ पे अगर हम जाए तो आपको आर प्रेस करना है, ये रिपल, उससे पहले रिलैक्स वगैरह, बाकी ऊपर के मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट सेलेक्ट बाई चैनल, ये इसका उतना है नहीं यूज, सेल पे चलते हैं। ठीक है, अगर चाहिए तो आप बता देना, वैसे उसका कोई यूज नहीं है। सेल पे चलते हैं, जो मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग सब में हमें यूज होता है, खास करके मॉडलिंग में आपको बहुत यूज होता है। ये है सेल। ठीक है, देखिए ये सेल को कैसे यूज करना है। आपका यहाँ पे आता है इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट। इनर अमाउंट है, इसे आप जैसे ही बढ़ाओगे, देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो अंदर की तरफ। ठीक है, ये देखिए, देखो ये आउट इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट, देखिए ये आउटर की तरफ जीरो है, अभी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी जीरो। तो और ये क्या है, इनर के अंदर की तरफ देखोगे एक लेयर जैसा बन रहा है। ये देखिए, देखिए गौर से देखना होगा, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ एक ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा लाइन देख रहे हो, इसके बगल में जनरेट हो रहा है। अब बाहर से देखोगे तो वो एक्सट्रूड होता आउटर ऐसा कुछ, ये सॉरी आउटर है। इनर में आपको अंदर की तरफ जैसे कुछ एमएम हल्का सा देंगे तो वो पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दोगे तो वो ऐसे बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो ये सम एक उसमें आप अंदर दोगे, जैसे कि अभी हमने हमारा इतना है, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा निकलने लगा, मैं अगर इसे 1 इंच दूं तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना होता नहीं है, वैसे मान लो आप 10 mm देते हो, आपको पता नहीं चल रहा है, देख रहे हो। और थिकनेस अंदर ही अंदर आ चुका है थिकनेस। ऐसे ही आउटर की तरफ देना है, तो आप इधर से अगर आउटर देते हो तो ये देखिए, तो ये ऐसा कुछ फूलने लग गई, देख रहे हो, क्योंकि आप आउटर दे रहे हो। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से चले तो ये देखिए आपका ये आउटर है, देख रहे हो। बाहर की तरफ आप जनरेट कर दो, ये बाहर की तरफ ऐसे लाइन जा रहा है। पहले क्या था, अंदर से कुड़ रहा था, अब ये बाहर की तरफ फूल रहा है। इस तरह से हम अगर लोकल उसमें बोले कि बाहर की तरफ ऐसे फूलता जा रहा है। और ये इनर क्या था, ये अंदर की तरफ इसको सिकोर रहा था, अंदर ऐसे सिकोर रहा था। तो इनर है, आउटर है, आपको जैसे सेल देना है, थिकनेस एक देना है इसके अंदर, तो आप छोटा सा वैल्यू आप देना है। आप इनर आउटर किसी से भी दे सकते हो, ठीक है, ये भी दे सकते हो और यहाँ से भी आप ऐसा कुछ दे सकते हो। मुझे आउटर नहीं निकालना है, थोड़ा सा इनर वैल्यू दे दिया। तो नॉर्मली सिंपल, अगर मैं कभी ग्लास बनाता हूँ, मैं इसको इस तरह का कुछ कोई भी मॉडल ग्लास बनाता हूँ जिसमें सिंगल फेस है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सेल को बंद कर दूं या यहां से हटा देता हूं, तो ये क्या है, नॉर्मल प्लेन से बना होता है। हम भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट पॉली करूं तो ये देखिए, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तो आप देखोगे कि नॉर्मल प्लेन से ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हो, अगर मैं बनाऊ इधर से देखो, नॉर्मल प्लेन है, देख रहे हो, इसके अंदर कोई थिकनेस नहीं है, देखो यहां से ये निकला हुआ है, नॉर्मल प्लेन है, इसके अंदर कोई थिकनेस वगैरह नहीं है। ठीक है, देखिए अभी यही चीज इसके अंदर, अगर सेल होने से क्या होता है, मान लो चलिए इसको मैं डिलीट ही रखता हूं, अभी ये नॉर्मल प्लेन से बना हुआ है। अगर मैं एज करूं, देखिए ये नॉर्मल प्लेन है, ठीक है, ऐसा कुछ नॉर्मल प्लेन से बना हुआ है। तो होता क्या है कि लाइटिंग, जब हम अगर चाहे इसके मटेरियल ग्लास का दे, तो जो क्वालिटी सेल थोड़ा सा होने से होता है, जो थिकनेस से, क्योंकि अगर मैं ग्लास इसको एक मेटालिक कुछ समझू, मेटालिक समझू या ग्लास का, तो एक्चुअल में थोड़ा सा थिकनेस होता है। जो थिकनेस जब हम मॉडल कर रहे होते हैं प्लेन से बना देते हैं तो होता नहीं है, और वो थिकनेस अगर आपको चाहिए तो आउटर या ऐसे इनर थोड़ा सा आपको, देखिए ये देख रहे हो, ये कोर जनरेट होता है। अगर मैं अच्छे से डिटेल में बताऊं, ये देखिए ये आउटर, ठीक है, और ये इनर, ये देखिए ऐसा कुछ, ये अंदर ही अंदर। तो ये जब आप देते हो और देन आप इस पे कभी ग्लास का या कोई मटेरियल अप्लाई करना, अलग ही क्वालिटी आएगा अगर आप सेल डालते हो, और एक्चुअल में होता भी है तो वो एक्चुअल जैसा दिखता भी है जब आप क्वालिटी रेंडर करते हो शेडिंग करके, चाहे आप ग्लास ही बनाओ, ग्लास करके कभी देखना, नॉर्मल बिना सेल के, जैसे ये चीज है, ठीक है, यहाँ पे टीपॉट, इसको बिना सेल के रेंडर करना ग्लास मटेरियल डाल के और फिर सेल डाल के देखना, तो काफी फर्क आपको दिखेगा इस चीज से। तो ये है आपका सेल मॉडिफायर, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज होता है इसमें, तो आप इसमें यहां से सेगमेंट बढ़ा सकते हो। ये देखिए, ये जो सेगमेंट्स है ये एक्चुअल में इसके लिए होता है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये जो जो हमने थिकनेस दिया
बाकी कहीं नहीं, सिर्फ वो थिकनेस जो हम देते हैं उस पे क्या आप चाहते हो। मान लो आप चाहते हो थोड़ा सा वो स्मूथ हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ। मान लो अभी मैं बिना इस पे सेल पे ये मतलब बिना सेगमेंट दिए मैं अगर इसे स्मूथ डालता हूँ, इस पे मान लो मैं यहाँ पे टर्बो स्मूथ यूज करता हूँ, ये रहा टर्बो स्मूथ, ये देखिए, ये देख रहे हो कैसा कुछ हो गया। अगर मैं थोड़ा सा एक बढ़ाऊँ, ये देखो कैसे राउंड जैसा हो, लेकिन आप इतना ज्यादा गोल ये नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे हार्डनेस रहे ऐसा कुछ अगर आप चाहते हो। चलो मैं थोड़ी देर के लिए स्मूथ बंद करता हूँ, तो यहाँ पे मान लो आपने 1 2 3 4 कुछ अगर, या अगर 2 भी आप दे देते हो ऐसा कुछ लाइन, देन आप स्मूथ डालते हो, तो देखो थोड़ा सा देख रहे हो अब थोड़ा हार्ड हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा थोड़ा कम हार्ड चाहते हो तो इसको 2 के 1 कर दो, देख रहे हो जैसे आप ये बढ़ाओगे कम करोगे सेल को, देखो देख लो अब बिल्कुल हार्ड हो गया। तो ये है सेगमेंट आपका, ये काम करता है, ये जो सेगमेंट है मेनली यही है, यही है, बाकी सब इतना ये सब जो दिया गया है इतना इसका हुआ। खास करके यहाँ पे आप मैप वगैरह बेबल वगैरह करना है तो बेबल मैप वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा बेबल करना है मैप है मैपिंग वगैरह यहाँ कर सकते हो, बेबल एज को बेबल करने के लिए यहाँ पे हम मैप भी ब्लैक एंड व्हाइट मैप जैसे यूज करते हैं, बाकी इसकी भी उतना जरूरत नहीं है। ये जो आपका 99% यही है सेगमेंट है, और ये इनर और वो आउटर ये आपका काफी यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेल मॉडिफायर का यूज करते हो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं अगर टर्बो स्मूथ को हटा दूं तो ये है, अभी 4 मैंने रखा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा कम चाहूं तो सॉरी 4 की मैं 2 रखूं, सिंगल रखूं, देखिए थोड़ा सा अगर राउंड चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये है, ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कीजिए सेल मॉडिफायर का, काफी बढ़िया है। और मॉडिफायर के लिस्ट में आपका एक और मॉडिफायर मैंने आज बता दिया आपको, शेल, ठीक है, तो शेल मॉडिफायर, देन स्क्यू है, स्किन है, कुछ और ये बचे हुए हैं जो जल्दी ही आ जाएंगे बता देंगे, और बाकी यूवी मैपिंग वगैरह, यूवी मैपिंग ये सब तो यूवी से रिलेटेड जो है, यूवी अनरैप, यूवी डब्ल्यू या यूवी अनरैप, यूवी डब्ल्यू मैप, ये सब तो मैपिंग टेक्चिंग के क्लासेस में बता चुका हूँ, अनरैपिंग का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है तो उस प्लेलिस्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यो यूवी डब्ल्यू मैपिंग और यूवी डब्ल्यू मैप अनरैपिंग से रिलेटेड क्लासेस हो चुके हैं, बाकी ये टेपर वगैरह स्लाइस ये सब कुछ मॉडिफायर्स और रह रहे हैं जो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ आई आइकन पे मिल जाएगा, आई आइकन पे आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको सारे मॉडिफायर्स के क्लासेस मिल जाएंगे जितने भी अभी तक मैंने पूरे सिखा रखे हैं, ठीक है। और भी जो मैं बताऊंगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, चैनल विजिट कीजिए वहां से भी देख सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। और इस तरह से सेल मॉडिफायर का यूज कीजिए, अच्छे से सीखिए, मॉडलिंग वगैरह के क्लासेस भी हैं, ठीक है, टेक्सचरिंग लाइटिंग हर तरह के क्लासेस हैं चैनल पे अवेलेबल है, चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल पे जाइए, ठीक है। और अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से एक नया मॉडिफायर सिखलाऊंगा, नया क्लास लाऊंगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।